सिटी हलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। नए साल के आगमन से कुछ क्षण पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने विकासखंड पौड़ी के बैजवाड़ी गांव पहुंचकर जरूरतमंदों को कंबल व फल वितरित कर नववर्ष मनाया। ठंड से बचने के लिए जरूरतमंदों ने यह मदद पाकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आप पहले अधिकारी हैं जो कि नया साल मनाने के लिए किसी पर्यटक स्थल पर ना जाकर हमारे बीच आए हैं। जिलाधिकारी ने वहां मौजूद लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीतलहर व ठंड के प्रकोप को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था निरंतर रूप से बनाए रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि जरूरतमंद लोगों की सहायता हेतु जरूरी सामग्री वितरण करने में सहयोग करें। उन्होंने उपजिलाधिकारी सदर को निर्देश दिए कि जिन जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए हैं उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, पूर्ति विभाग व समाज कल्याण जैसी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं, इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लेकिन इतने अंधेरे में क्यों रहे हो? टीवी देखा करो, बैठ के यहाँ क्यों रहे हो? बस सर दिखे चक्कर में, बस टीवी क्यों नहीं दिखाते? मैं कहाँ से अंदर आए ना, देखेंगे मैं। नहीं, वो ये लोग इतने अंधेरे में और इतने उसमें क्यों रह रहे हैं? फिर आओगे रात को? नहीं ना दादी, वो टीवी भी लगा दो छोटा सा, तो टीवी दिलवा। नए साल की शुभकामनाएं। नए साल आपको भी बहुत सारा है ना। अब आप दे दो, आप एक ही परिवार को दे रहे हैं? एक और चाहिए? नहीं नहीं, ये बताओ मेरा आवास नहीं मिला था आपको, प्रधानमंत्री आवास? ये सब क्या नगर इलाका हो गया, नगरीय क्षेत्र हो गया? लेकिन पहले कब हुआ होगा नगरीय क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? उसके लिए कोई तो हो अर्बन नाम से, उतने तो उतना कुछ प्लान बनाते हैं। अगर उसमें गैप फंडिंग नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री आवास अर्बन की जो कैटेगरी उसको छोड़ते हुए